हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट ये जो फैशन इंटीरियर्स का बैचलर में नया डोमेन आया है इन निफ्ट, ये है क्या? इसमें स्टूडेंट क्या सीखेगा या इसमें क्या कैरियर ऑप्शंस हैं? अगर हम देखें तो हमारे पास अभी तक 6 डिज़ाइन डोमेन्स थे जो बैचलर्स में हर जगह थे, विच इज़ फैशन डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, लेदर डिज़ाइन, एसेसरी डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, नेटवेयर डिज़ाइन। ये कुछ डोमेन्स हैं जो मोस्टली हर कैंपस में हैं और बहुत पुराने डोमेन्स हैं। इस डोमेन्स में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है जल्दी। बट इस बार जो हमारा नया कैंपस एड ऑन हुआ है निफ्ट वाराणसी, इसमें एक नया डोमेन आया है विच इज़ फैशन इंटीरियर्स। इसमें टोटल 3 डोमेन्स हैं आपके, फैशन डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन एंड फैशन इंटीरियर्स। आज जिस डोमेन के बारे में हम बात करेंगे वो डोमेन है हमारा फैशन इंटीरियर्स, कि एक्चुअल में इस डोमेन में होगा क्या और इस डोमेन में क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। बीडीएस की डिग्री है विच विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 4 ईयर्स बैचलर डिग्री, और इस बार जिस कैंपस में ये इंटीरियर फैशन आया है इट इज़ इन निफ्ट वाराणसी। अभी तक हम सब ने सुना है इंटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन जिसमें आप एक पर्टिकुलर एक रूम को या फिर किसी एक स्पेस को फर्नीचर से लेके आप सारी चीज़ें उसमें डिज़ाइन करते हो, आपका फर्नीचर आ जाता है उसमें, आपका वॉल टेक्सचर आ जाता है, मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। नाउ जब ये इंटीरियर फैशन आता है तो इंटीरियर को वो फैशन से लिंक कर रहा है, क्लोथिंग से लिंक कर रहा है, फैब्रिक से लिंक कर रहा है, इन द सेंस कि कर्टेन भी होगा तो कैसे कलर में होगा, क्योंकि आप लोग का एक टॉपिक आता है कलर साइकोलॉजी, कलर थ्योरी, तो कैसे कलर में आएगा, ऐसे कौन, जैसे अगर आप एक बेबी के रूम का डिज़ाइन करोगे तो उसमें आप लोग लाइट कलर्स चूज़ करते हो, वो कलर्स जो आँखों को कूल देते हैं, आँखों को पीस देते हैं। तो आपका फैब्रिक से ये इंटीरियर लिंकअप होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे टेबल्स पे टेबल क्लोथ पड़ा होता है तो टेबल क्लोथ का फैब्रिक हो गया, बेड शीट पड़ी होती है बेड शीट का फैब्रिक कैसा होना चाहिए, कॉटन होता है, कॉटन के साथ मिक्स फैब्रिक भी आते हैं, तो वो फैब्रिक नॉलेज आपको दी जाएगी ताकि आप इंटीरियर में उसको यूज़ कर सको, और कैसे यूज़ करोगे ये सारी चीज़ें आपको इंटीरियर फैशन में सिखाई जाएंगी। नाउ मूविंग अहेड, इसमें क्या आपके पास कैरियर ऑप्शंस हैं? तो इसमें जो कैरियर ऑप्शंस रहेंगे आपके वो इंटीरियर डिज़ाइनर आता है आपका, आपका कलर कंसल्टेंट आता है इसमें, इंटीरियर स्टाइलिस्ट आता है, क्राफ्ट डेकोर डिज़ाइनर, लाइटनिंग डिज़ाइनर, इंटीरियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इंटीरियर लैंडस्केप डिज़ाइनर, ये सारे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर पाथवेज रहेंगे आपके पास अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन का डोमेन, इंटीरियर फैशन का डोमेन बीडीएस निफ्ट वाराणसी से प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपने अपनी सीट ब्लॉक कर दी है तो। सो नया डोमेन है एंड इसमें बिल्कुल ऐसे मत परेशान होइएगा कि इस डोमेन में क्या करेंगे, मैंने मोस्टली बता दिया है कि ये डोमेन आपका इंटीरियर का फैब्रिक से लिंक करेगा, ठीक है? तो इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए इतना, एंड कैरियर ऑप्शंस भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। एंड जो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल कलर कंसल्टेंट जो मैंने जॉब बोला, ये भी जो मैंने कैरियर पाथवे, कैरियर ऑप्शन, कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको बोली इस कोर्स के थ्रू, कलर कंसल्टेंट वो पर्सन होता है जो बताता है कि कलर कौन सा कलर किस पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है या सिचुएशन हो सकती है, आपका कोई ऑफिस एरिया है, आपका कोई एजुकेशन रूम है या जैसी भी चीज़ें, कि कौन सा कलर उसमें अच्छा लगेगा। तो ये भी, ये कुछ जॉब फील्ड्स हैं आपके जो इस बार इंटीरियर फैशन में नए आए हैं, जैसे कलर कंसल्टेंट हो गया, जो बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे या शायद उनके लिए एकदम ही नया होगा, क्राफ्ट डेकोर डिज़ाइनर हो गया, लाइटनिंग डिज़ाइनर हो गया, तो ये सारे फील्ड्स कुछ नए हैं। बट ये है कि अगर आप में लर्निंग एबिलिटी है तो हर फील्ड आपके लिए अच्छा है, कोई फील्ड आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होगा। एंड इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप इसमें अब आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू सो मच।